जय हिंद दोस्तों, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री टू व्हाट इट इज अबाउट टुडे, पूरा अटैक, इसराइलीज एट वॉर एंड एवरीथिंग अबाउट इट दैट इज रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड जनरल नॉलेज. सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द जूश पीपल, बिकॉज जूश पीपल फॉर्म इसराइल. जूश लोग जो है हजारों साल पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते आए हैं. There have been always some rumor against them, जिसके कारण उनको हर कंट्री में सफ़र करना पड़ा. For example, सबसे पहले rumor जो start हुई थी, ये माना जाता है कि Jesus Christ जो है एक Jewish family में रह चुके हैं, वहीं पर पैदा हुए हैं. But after that, it was also believed that Jewish people only wanted to crucify हमारे Lord Jesus को. Because of this, many Christians started killing Jewish people worldwide. पहली चीज़ तो ये. दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब ये लोग जर्मनी में रहने लगे तो हिटलर स्टार्टेड मास किलिंग अगेंस्ट जूश पीपल एज वेल. ऐसे ही हर कंट्री का रिकॉर्ड है कि हर कंट्री में जूश लोगों के अगेंस्ट कुछ ना कुछ अत्याचार और एट्रोसिटीज होते ही रहे हैं. आफ्टर इतना सब कुछ सहन करने के बाद सारे जूश लोगों ने सोचा कि हम हर कंट्री में टुकड़ों टुकड़ों में रहने के बजाय एक ही कंट्री में एक साथ मिलकर एक ही जगह पर रहते हैं, यूनाइटेड होके और शांति से. तो सारे जितने भी जूश लोग हैं वो हर कंट्री से माइग्रेट होकर उस समय ओटोमन एम्पायर के अंदर पैलेस्टीन में जाके रहने लगे. वहाँ पर रहने की वजह यह थी कि वहाँ पर जेरूसलम था. जेरूसलम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस फॉर जूश पीपल. अब बैक टू पैलेस्टीन, ओटोमन एम्पायर के अंडर. उस टाइम ओटोमन एम्पायर जो था वो पैलेस्टीन के ऊपर कंट्रोल में था. लेटर ऑन ब्रिटिश एम्पायर आ गया जो पैलेस्टीन को कंट्रोल करने लगा. ब्रिटिश एम्पायर के अंडर भी इसराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम, बिकॉज इसराइल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था उस टाइम. सिर्फ जूश लोग थे जो पैलेस्टीन टेरिटरी में रहते थे और वहाँ पर उस समय मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जूश सब बहुत शांति से रहते थे. उस समय शांति से रहने का रीज़न ये था कि पॉपुलेशन बहुत कम थी और एरिया बहुत ज़्यादा, तो सेटलमेंट्स का इतना कुछ इशू नहीं होता था. बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे सेटलमेंट की प्रॉब्लम भी बढ़ती गई और वैसे वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए. तो अंडर ब्रिटिश एम्पायर ओनली मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द जूश पीपल एंड द अरबिक पीपल स्टार्टेड हैपनिंग. ब्रिटिशर्स ये कॉन्फ्लिक्ट सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चलता हूँ, और उन्होंने ये पूरा मैटर जो है यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया. यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में जो है फॉर्मेशन कर दिया दो अलग अलग जगह का अंडर दैट सेम टेरिटरी. 45% जो टेरिटरी है वो उन्होंने अरब को दे दी विच वुड फॉर्म पैलेस्टीन, एंड 55% टेरिटरी उन्होंने जूश लोग को दे दी विच वुड फॉर्म इसराइल. 1948 में ऑफिशियल फॉर्मेशन हो चुका था इसराइल का. नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि इसराइल जो कंट्री थी वहाँ पर जूश लोग की पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू अरबिक पीपल कम था. मतलब कम पॉपुलेशन वाले लोगों को ज़्यादा लैंड मिल गया और अरबिक लोग जो ज़्यादा पॉपुलेशन में थे उनको कम लैंड मिल गया. तो अब ये लड़ाई शुरू हो गई कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाले लोगों को ज़्यादा लैंड मिलना चाहिए. तो नाउ द कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन इसराइल पैलेस्टीन. लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल अकेला था और इसराइल के अगेंस्ट 5 कंट्रीज थी जो पूरा एक अरब कम्युनिटी मिलके इसराइल से लड़ रही थी. द 5 कंट्रीज वर इजिप्ट, सीरिया, लेबनन, इराक एंड जॉर्डन. ये 5ों कंट्रीज ने इस कॉन्फिडेंस से इसराइल से लड़ाई शुरू करी थी कि हम 5 हैं और इसराइल इकलौता, तो इसराइल पक्का हार जाएगा और हम वापस से यहाँ पर पैलेस्टीन की फॉर्मेशन कर देंगे. बट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वाज बिलीव्ड, इसराइल ये वॉर जीत गया और इसराइल ने जो पैलेस्टीन की जगह डिनोटेड थी वो भी ले ली. अब इसराइल जीता इसलिए क्योंकि जूश सारी कंट्रीज से अपनी प्रताड़ना सहन करके फाइनली यूनाइटेड होकर एक कंट्री उनको मिली थी. और ये लोग सिर्फ वॉर जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लोग अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे थे. तो वो उस जोश ने इन लोगों को ये वॉर जिताया. अब वॉर के पहले तो पैलेस्टीन के पास 45% जगह तो थी, लेकिन वॉर के बाद पैलेस्टीनियंस के पास वो जगह भी नहीं बची. तो वॉर के बाद पैलेस्टीनियंस अपनी ही कंट्री में रेफ्यूजी बन के रह गए, जिसको पैलेस्टीन एक्सोडस भी बोला गया. तो पूरा जो पैलेस्टीन की जगह थी उसके बाद जो 55% इसराइल का था वो तो इसराइल के पास रहा ही, वहीं थोड़ी सी जगह जो लेबनन के पास चले गई थी वो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस वहाँ पे रेफ्यूजी बन गए. इजिप्ट का जो था गाजा स्ट्रिप वहाँ पर पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी बन गए. तो आगे जाके वापस से एक वॉर छिड़ा जिसको 6-डे वॉर भी बोला जाता है, और ये वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है. 6-डे वॉर में इजिप्ट, लेबनन और जॉर्डन ने तीनों ने मिलकर वापस इसराइल पर अटैक किया, ये सोच के कि इसराइल की जो ओरिजिनल टेरिटरी थी हम वो भी ले लेंगे और इसराइल ने पैलेस्टीन से जो छीना है हम वो भी ले लेंगे. बट अगेन कॉन्ट्ररी टू व्हाट वाज बिलीव्ड, इसराइल ने उन लोगों की भी टेरिटरी ले ली. मतलब इस वॉर में इसराइल ने लेबनन का भी एरिया ले लिया, इजिप्ट का भी बहुत सारा एरिया ले लिया और जॉर्डन का भी एरिया ले लिया. मतलब जितना भी रेफ्यूजी वाला एरिया पैलेस्टीनियंस को मिला था अब वो भी उनके पास से चला गया.
बट लेटर ऑन 1979 में इसराइल और इजिप्ट की पीस ट्रीटीज हुई, जिसमें इसराइल ने जितना भी इजिप्ट से पार्ट लिया था उसका मेजोरिटी इजिप्ट को वापस लौटा दिया। इसके कारण उन लोगों को पीस प्राइज अवार्ड भी मिले। बट लेटर ऑन इसराइल के बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर आए इत्जाक राबिन नाम से, जिन्होंने फलस्तीन की PLO को रिकग्निशन दिया और इसके बदले PLO ने भी इसराइल को एज ए कंट्री रिकग्नाइज किया। PLO जो था फलस्तीन के लिए लड़ रहा था, बट PLO वॉज नॉट एज एक्सट्रीमिस्ट एज हमस। हमस के हम आगे जाके बात करेंगे। तो PLO और इत्जाक राबिन के बीच में बहुत अच्छी पीस ट्रीटी हो चुकी थी, जिसको हम ओस्लो अकॉर्ड से बोला जाता है। ओस्लो अकॉर्ड जो है 1993 और 1995 में साइन किए गए थे। ओस्लो अकॉर्ड साइन करने के बाद PLO और राबिन जी दोनों को ही पीस प्राइज में मिला गया था। और इसके बाद सोचा गया था कि ये शायद जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, शायद पीस वापस स्टैब्लिश हो जाए। बट जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे हमारे इसराइल के, उन लोगों ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को असासिनेट कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो उनके इसराइल जो उनका लैंड था, टेरिटरी था, उस पर। सिमिलरली जो हमस थी वो भी फलस्तीन की एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, और वो नहीं चाहती थी कि PLO थोड़ा भी एडजस्ट या थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ करे इसराइल के साथ। तो इन लोगों के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के कारण आपस में जो भी पीस ट्रीटी थी वो पूरी ख़राब हो गई, और वहीं से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। ओस्लो अकॉर्ड्स में जो सिग्नेचर्स हुए थे, जो एग्रीमेंट्स हुए थे, उसके अंतर्गत जो वेस्ट बैंक था, जहाँ पर जेरूसलम भी है, वेस्ट बैंक के बहुत सारे सेटलमेंट एरिया जो है फलस्तीनियन को दे दिए गए थे, और उनका फॉर्मेशन बनाने का आगे ये था कि उसको एक फलस्तीन कंट्री ऑफिशियली पूरा फॉर्म कर देंगे। बट क्योंकि असासिनेशन हो गया और उसके बाद से चीज़ें बिगड़ती गई, तो वो सिर्फ उतने ही सेटलमेंट्स तक बात सीमित रह गई। अब प्रेजेंट डे पर आ जाते हैं। हमस जो है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। बहुत सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली USA, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज कंसिडर हमस एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अदर कंट्रीज लाइक रशिया, दे डू नॉट कंसिडर हमस एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जो इनको टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं, वो उनको इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं, और बहुत सारी कंट्रीज जिनको फलस्तीन से हमदर्दी है वो इनको एज अ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप देखते हैं। बट अभी अभी क्या हुआ है जिससे इतना ज़्यादा बवाल मच गया? हमस ने गाजा स्ट्रिप से बहुत सारे अराउंड 5,000 एयर स्ट्राइक्स कर दिए इसराइल की तरफ। इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जो ईजिली सारे मिसाइल्स को डिटेक्ट करके आसमान में ही उनको ख़त्म कर देता है, जिससे इसराइल के लोगों को कुछ भी हार्म ना पहुँचे। बट क्योंकि 5,000 एयर स्ट्राइक्स मानी जा रही हैं, उसके कारण बहुत सारे इसराइलीज घायल हुए हैं और बहुत सारे इसराइलीज मौत के मुँह भी उतर चुके हैं। इसमें हमस के लोगों ने बहुत सारी औरतों को, बच्चों को भी प्रताड़ित किया है, ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके बारे में डिस्कस करने से भी नॉर्मल लोगों को शर्म आ जाए। तो दीज थिंग्स दैट हमस हैज ऑप्टेड सो दैट फलस्तीन का फॉर्मेशन हो इज टोटली इनह्यूमन एंड इट्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। और इस एक्टिविटी को बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने भी कंडेम किया है। ये तरीका सही नहीं होता है अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए उसके लिए। अनदर थिंग इज दैट PLO और फतेह एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमस जो है अलग काम करते हैं, लेकिन दोनों का मानना है कि दोनों फलस्तीन के लिए ही काम कर रहे हैं। फलस्तीन के लोग जो हैं हमस से अपना नाता जो है नहीं रखते, बिकॉज हमस जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हमस बोलता है कि हम फलस्तीन को आज़ादी दिलाने के लिए, फलस्तीन को एक देश दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। PLO और फतेह इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं माने जाते जितना हमस माना जाता है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि हमस जो है इसने टेररिस्ट अटैक किया लोगों पर, इसराइल के लोगों पर, लेकिन अब फलस्तीनियंस को सफ़र करना पड़ेगा, जबकि फलस्तीनियंस खुद हमस से कोई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं। बहुत सारे लोग इसराइल से अपना व्यू शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग फलस्तीन से अपना व्यू शेयर करते हैं। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स हैव बीन शेयर्ड टू यू सो दैट यू कैन डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू। किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाने से बेहतर है हम सारे पॉइंट्स जाने, उसके बाद हम अपनी इच्छा शक्ति से देखें कि क्या सही है क्या गलत। आपका खुद का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, और वो देना हमारा काम है। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू। कोई भी अपडेट्स आएगा, कोई भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी, फोर्स डिफेंस अकेडमी आपके पास वो अपडेट्स को लेकर आएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।